बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी आलू चना चाट की रेसिपी शेयर करूँगी। इसे मैंने बनाया है होममेड पापड़ी के साथ। तो सबसे पहले तैयार कर लेते हैं पापड़ी। इसके लिए मैंने एक कप ले लिया है मैदा। इसमें क्वार्टर टी स्पून डाला है अजवाइन का और क्वार्टर ही टी स्पून मैंने इसमें डाला है नमक। दो चम्मच घी शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करने के बाद हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से गूंथ लेंगे, जिस तरह हम आटा गूंथते हैं। फिर इसको रोटी की तरह बेल कर इसको किसी कटाई या फिर गिलास से कटिंग कर लेंगे। छोटी बड़ी जिस शेप में भी आप चाहें उसकी कटिंग कर सकते हैं। फिर इसे ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी होममेड हमारी पापड़ी जो है घर में साफ़ सुथरे तरीके से तैयार हो जाएगी। अब तैयार कर लेते हैं चने। तो इसके लिए मैंने एक कप ले लिए हैं बॉयल चने। इसमें एक मीडियम साइज़ का आलू मैंने शामिल किया है, जिसको हल्का सा फूड कलर डाल के बॉयल कर लिया था। एक टमाटर इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें बारीक चॉप की हुई प्याज शामिल कर देंगे। फिर इसमें हरी मिर्च शामिल करेंगे। एक हरी मिर्च मैंने इसमें ली है, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। दो से तीन टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे इमली का पल्प। दो से तीन टेबल स्पून ही इसमें शामिल कर देंगे दही। दही को अच्छी तरह से फेंट कर इसको शामिल कर देंगे इसमें। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। तो इसमें मैंने लिए हैं हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे काला नमक और एक टेबल स्पून भरकर इसमें शामिल करेंगे चाट मसाला। एक नींबू का रस इसमें शामिल कर देंगे। तमाम मसाले शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे पापड़ी। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी आलू चना चाट हमारी रेडी हो चुकी है। बहुत मज़े की ये बनती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।